यहाँ पे जो एनिमल क्रुएल्टी हो रही है उसके लिए कोई लॉ भी नहीं है, सबसे पहली बात तो यही है। और क्या कहना चाहेंगे जो ये सब काम करते हैं, जो नुकसान पहुँचाते हैं एनिमल्स को? एक अच्छा इंसान ना ऐसा काम नहीं करेगा, किसी बेजुबान को तकलीफ नहीं देगा। ये वो दरिंदे जो ऐसा काम करते हैं, क्योंकि हमारे अभी तक कानून ऐसा नहीं बना है जो ऐसा करने के बाद उनको कड़ी सजा मिले, ऐसा कानून बना नहीं। इसके लिए दरिंदे ऐसा काम करते हैं, वो बेजुबान है ना, उनको क्या समझते हैं। मगर है ऐसे लोग, कानून निकलेगा। अभी आज जो ये काम कर रहे हैं ना ये एनजीओ, तो मैं बोलता हूँ कि ये सारे जितने भी एनजीओ है इनको सपोर्ट करें और आगे आए और कुछ ना कुछ ऐसा कानून बने जिसकी वजह से ऐसा काम करने वाले को उनको कड़ी सजा मिले। भाव ये जो अजय कॉल सर ने जो इनिशिएटिव लिया, ह्यूमन वेलफेयर ने एसएएस ने जो इनिशिएटिव लिया, आपको लगता है कि इस तरह का इनिशिएटिव सबको मिलके लेना चाहिए जिससे कि लॉ बने? और देखो शुरुआत तो किसी ना किसी को करनी है ना, तो शुरुआत अभी इन लोग ने कर दिया है। तो जितने भी एनिमल लवर है वो चाहते थे कि कोई ना कोई ये चीज़ की शुरुआत करे। अगर शुरुआत आप करोगे तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, अगर शुरुआत ही कोई नहीं करता तो कैसे सपोर्ट करते। अभी देखो इन्होंने शुरुआत की है, मेरे जैसे इंसान, छोटा इंसान मैं भी जुड़ गया हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि हाँ ऐसे लोगों के ऊपर जो ये एनिमल्स को मारते हैं उनको सज़ा होनी चाहिए। अच्छा लगा, इसके लिए मैं आया हूँ ना, सपोर्ट के लिए आया हूँ। मेरा पूरा सपोर्ट है ऐसे लोगों के लिए, और कड़ी से कड़ी कानून इनके ऊपर बनना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। आज एक स्कूल है जिसने 3,000 बच्चों का अगर फीस माफ कर दिया है, आप सोचो 3,000 बच्चों का फीस माफ करना, यानी 1,80,000 नहीं 1,80,000 एक महीने का फीस है वो स्कूल माफ कर सकता है 3 महीना। तो और कितने सारे ऐसे स्कूल है, उन्होंने भी अगर ऐसा किया तो आज देखो ये कोविड के टाइम में कितने लोगों की नौकरी चली गई, घर में खाने के वांदे, घर में अनाज नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है। तो कम से कम ये सारे हिंदुस्तान के स्कूल वालों ने सोचना चाहिए और ये मदद करनी चाहिए। जो इन्होंने कदम उठाया वो उन लोग ने भी उठाना चाहिए। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।